अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मृतक की पत्नी निकिता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी व्हाइट फील्ड डिवीजन बेंगलुरु शिव कुमार ने बताया कि अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में आरोपी निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दरअसल पत्नी व उसके परिवार की प्रताड़ना और 2 वर्ष से कोर्ट की 120 तारीखें इसके बावजूद न्याय न मिलने के कारण 34 वर्षीय आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष ने मौत को गले लगा लिया था। आत्महत्या को अंतिम विकल्प मानते हुए अतुल ने दुनिया से जाने से पहले करीब 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें शादीशुदा जिंदगी के सामाजिक ताने बाने की खामियां, साथी के लालच और षड्यंत्र की दास्तां, कानूनी महकमे में भ्रष्टाचार को उजागर किया था। मामले में मराठा हल्ली पुलिस ने अतुल के भाई विकास कुमार की शिकायत पर अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 4 लोगों के खिलाफ BNS की धारा 108 और 35 के तहत FIR दर्ज की थी। निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। सभी लोग पुलिस से भागते फिर रहे थे। आपको बता दें कि अतुल सुभाष ने जान देने से पहले जो वीडियो बनाया था उसमें क्या आरोप लगाए गए थे। अतुल ने वीडियो में बताया कि उन्होंने जज रीता कौशिक के समक्ष जब बताया कि उनकी पत्नी ने झूठे मामले दर्ज किए हैं, तो जज ने कहा, तो क्या हुआ, वो आपकी पत्नी है और ये आम बात है। अतुल ने कहा कि झूठे मामले के कारण कई लोग मर जाते हैं, तो बीच में पत्नी निकिता ने कहा कि आप भी ऐसा क्यों नहीं करते। इस पर जज ने जोर से ठहाका लगाया। अतुल ने लिखा, पत्नी ने ही मुझे सही रास्ता दिखाया, मर जाना ही इन सबका अंत है। अतुल ने बताया कि उसकी पत्नी ने शुरू में 1 करोड़ रुपए की मांग की, बाद में मांग बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए की कर दी। अतुल ने सुसाइड नोट में लिखा कि उनके खिलाफ 9 मामलों में 6 के मुकदमे ट्रायल कोर्ट और 3 हाई कोर्ट में थे। 2 साल में कोर्ट की करीब 120 तारीखें लगीं, जिससे पूरी तरह टूट गया। जौनपुर परिवार अदालत की जज रीता कौशिक और उनके स्टाफ ने मामला निपटाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। अतुल ने लिखा कि इस सिस्टम ने मुझे न्याय नहीं दिया, मेरा फैसला बाकी है। 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर पैसों के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद खुदकुशी करने वाले शख्स के माता पिता ने बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए। उनका कहना है कि उनका बेटा बहुत तनाव में था। उसे अदालत की तारीखों के लिए बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बीच कम से कम 40 बार यात्रा करनी पड़ी। माँ ने अपने बेटे की मौत पर कहा, बहू और उसके परिवार वालों ने मेरे बेटे को प्रताड़ित किया, उन्होंने हमें भी प्रताड़ित किया, लेकिन मेरे बेटे ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया था। उसने सब कुछ सहा, उसने हमें कष्ट नहीं होने दिया, वो अंदर ही अंदर जलता रहा। वहीं पिता ने कहा कि अतुल ने उन्हें बताया था कि फैमिली कोर्ट कानून का पालन नहीं कर रही है। उन्होंने आगे कहा, बेटे ने बेंगलुरु और जौनपुर के बीच कम से कम 40 बार यात्रा की होगी। इतने सारे आरोप, एक मामला खत्म होता था और उसकी पत्नी दूसरे आरोप लगाकर केस कर देती थी। वो निराश था, लेकिन उसने हमें तकलीफ नहीं होने दी। अतुल के भाई विकास कुमार ने बताया, मेरे भाई की पत्नी से अलग होने के लगभग 8 महीने बाद उसने तलाक का मामला दायर किया। साथ ही मेरे भाई और हमारे पूरे परिवार के खिलाफ विभिन्न अधिनियमों और धाराओं के तहत कई आरोप लगाए। भारत में हर कानून महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए कुछ नहीं। मेरे भाई ने इसके लिए लड़ाई लड़ी, आखिरकार वो हमें छोड़कर चला गया। उन्होंने आगे कहा कि मेरे भाई ने निकिता के लिए सब कुछ किया, जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। अगर उन्होंने कभी मुझसे या हमारे पिता से इस बारे में चर्चा की होती तो हम उन्हें इन हालातों से बाहर निकालने में मदद करते। मैं भारत सरकार और राष्ट्रपति से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर मेरा भाई सही है तो उसके साथ न्याय जरूर होना चाहिए, अन्यथा मुझे सबूत दिखाओ कि वो गलत है। मेरे भाई ने सुसाइड नोट में जिस न्यायाधीश का नाम लिया है उसके खिलाफ उचित जांच होनी चाहिए। 81 मिनट का वीडियो में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कहा कि निकिता से 2019 में उसने शादी की थी और अगले साल उनका एक बेटा हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के परिजन उन्हें बार बार रुपयों के लिए परेशान करते थे और लाखों रुपए मांगते थे, और जब उन्होंने रुपए देने से इनकार कर दिया तो उनकी पत्नी कथित तौर पर 2021 में बेटे के साथ छोड़कर चली गई। पूरी खबर को लेकर, इस कार्रवाई को लेकर आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।